तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट एडजस्ट कर लेंगे, एक्सपोज़र बढ़ा लेंगे थोड़ा ताकि लाइट आ जाए फ़ोटो में एक अच्छी सी। तो इसको 47 के अराउंड बढ़ाएंगे, 49। कंट्रास्ट को भी बढ़ा लेंगे थोड़ा, हाईलाइट को कम कर देंगे, शेडोज़ को भी बढ़ा देंगे ताकि डार्कनेस है वो थोड़ी कम हो जाए, और वाइटनेस वाइट को भी कम कर देंगे, वाइट को, ब्लैक्स को बढ़ा देंगे। फिर हाँ 60 के अराउंड। फिर कलर कलर में टिंट को 5 के अराउंड बढ़ा लेंगे, 6-5, हाँ ठीक है इतना। फिर टेम्परेचर को 6-7 के अराउंड बढ़ा लेंगे, 5-5 ठीक है। वाइब्रेंस को 50, हाँ इतना ठीक है। और सेचुरेशन को -8 तक ठीक है। फिर इफ कलर में, सॉरी मिक्स मिक्स में रेड रेड कलर का सेचुरेशन थोड़ा कम कर लेंगे, नहीं बढ़ा लेते हैं इतना, 30-30-40 तक ठीक है। और लुमिनेंस भी बढ़ा लेंगे थोड़ा, 70 के अबाउट। और सेचुरेशन थोड़ा कम कर लेंगे, स्किन स्किन का कलर बढ़ता है ऑरेंज में, तो लुमिनेंस को भी 33 के आसपास, 32 बढ़ा लेंगे। और फिर येलो कलर को का के ह्यू को -100 ले जाएंगे, और सेचुरेशन को बढ़ा देंगे, और लुमिनेंस को भी थोड़ा बढ़ा देंगे, और ग्रीन कलर में भी ह्यू को कम कर देंगे और सेचुरेशन को बढ़ा देंगे। फिर नेक्स्ट कलर में लुमिनेंस को बढ़ा देंगे और सेचुरेशन को कम कर देंगे, ह्यू को बढ़ा कम कर देते हैं। फिर ब्लू ब्लू कलर में हमारे शर्ट की कलर है जो, उसको थोड़ा ह्यू को बढ़ा देंगे और सेचुरेशन को भी बढ़ा देंगे और लुमिनेंस को भी थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि लाइट आ जाए। और पर्पल को कम कर देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा पर्पल कलर शर्ट में दिखाई दे रहा है, तो उसको कम कर देंगे। और फिर लाइट उसका थोड़ा लुमिनेंस बढ़ा देंगे। और पिंक कलर में ये हमारे ग्लासेस पे आ रहा है, तो इसका लुमिनेंस थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि ये दिखाई ना दे, और सेचुरेशन कम कर देंगे। फिर शार्पनेस करीब 40-60 के अराउंड बढ़ा देते हैं, 45-60 इतना ठीक है, नहीं हाँ 60-70-80 ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं टेक्सचर को ज़्यादा नहीं छेड़ते हैं, क्लैरिटी को 33 के अराउंड, 30 के। और नेक्स्ट फिर इसको 28 कर देते हैं, 29 हाँ। फिर विगनेट को थोड़ा कम कर देंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं, फिर नॉइस रिडक्शन को बढ़ा देंगे कुछ 20 के अराउंड, 20। फिर डिटेल्स को नहीं उतना ही रहने देते हैं। फिर कलर नॉइस को भी बढ़ा देते हैं। तो देखिए अब हमारी फ़ोटो काफ़ी हद तक बन चुकी है, अब बस कुछ ही स्टेप बाकी है। तो हम एडोबी फोटोशॉप में आ गए हैं, तो यहाँ पे हम अपने हेयर्स को थोड़ा ग्रोथ देंगे मतलब फ़ोटो में। फिर ऐसे
वॉर्प टूल यूज़ करके उसका साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर बस उसको धीरे धीरे अपने जिस चीज़ का लेंथ बढ़ाना है थोड़ा, वहाँ पे ऐसे फेरिए बस। फिर मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो देखिए गाइस, हमारी फ़ोटो बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।